मन में शांति देश में शांति राष्ट्र में शांति विश्व में शांति शांति में शांति संबंधों में शांति भाई भाई में शांति सास ससुर में शांति घर घर में शांति 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 Thank you.
Thank you.
विचार करता है तो बच्चों के पास तक वो विचार संप्रेषित हो जाते हैं, और जब बच्चा मन में विचार करता है तो कछुए के पास तक वो विचार पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही संबंध मेरे आप लोगों के साथ में है। जब भी मैं अभिषेक करता हूं तो आप लोगों का नाम लेता हूं, आपके बारे में सोचता हूं, प्रक्षालन के लिए भी आता हूं तो सिर्फ आप एक भावना से कि जहां जहां ये आप लोग विराजमान है आपकी ओर से कर लूँ। वो आ नहीं सकते हैं लेकिन पृथ्वी के न्यू के पत्थर तो अवश्य हैं। न्यू का पत्थर दिखाई तो नहीं देता, कलश चमकता है लेकिन कलश के ऊपर कोई पक्षी भी नहीं बैठ सकता है। जो ज़्यादा चमकते हैं वह किसी के काम के नहीं होते हैं। जो साइलेंट होते हैं अनगढ़ पाषाण की तरह रहते हैं, सारा बोझ अपने ऊपर रखते हैं। और आप जानते हैं कि बोझ लेकर चलने वाला गधा कभी लात नहीं मारता। जो हमेशा संतों की सेवा में तत्पर रहते हैं वो कभी निंदक भी नहीं हुआ करते हैं। इस बात का ध्यान रखें, कभी ऑब्जर्वेशन करके देखना गधा जब बोझ होगा तो लात कभी नहीं मारेगा, आप हाथ रखेंगे आगे बढ़ेगा। वो बहुत ईमानदार होता है, कितनी भी बड़ी पहाड़ की चढ़ाई हो धीरे धीरे चढ़ेगा लेकिन चढ़ेगा। तो न्यू के पत्थर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मेरा आपके लिए आपके परिवार के लिए दोनों हाथों से बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आपका परिवार आकाश की ऊंचाइयों की तरफ जाए, और इतनी ऊंचाइयों की तरफ जाए कि आपके विचार से ही तीर्थों का कल्याण प्रारंभ हो जाए। ये महाराज शब्द बहुत खराब है। मोहल्ले के महाराज अलग होते हैं जो दादागिरी करते हैं, रसोई बनाने वाले महाराज अलग होते हैं जो पैसा मांगते फिर खाना बनाते हैं, और एक वो महाराज होते हैं जो कभी नाराज नहीं होते हैं। जो नाराज तो महाराज नहीं हो, महाराज तो नाराज नहीं। चलिए हम विधान, आज बहुत अच्छा विधान है मांगतुंगा आचार्य द्वारा वर्णित। और एक बात आपके सामने कहना चाहूँगा कि मांगतुंगा आचार्य गंधर्वपुरी आए थे, ये गंधर्वपुरी बगल में, और फिर यहीं से यात्रा करते हुए पुष्पगिरी पर रुकते हुए निकले हैं ऐसा मिलता है इतिहास, क्योंकि इससे बड़ा पहाड़ आगे भोजपुर तक कहीं नहीं है, इतना अच्छा पहाड़। सुपचंद आचार्य भी इसी दिशा से गंधर्वपुरी आए थे। आज इतिहास बतलाता है जब यहाँ तक आए तो समाज है, पर्वत है, तो साधना करते हुए यहाँ से गुजरे हैं। तो पुष्पगिरी का कण कण पवित्र है पुराने आचार्यों के माध्यम से भी, और वही एक कारण था कि मैंने इस पहाड़ को अनजाने में ही प्रणाम किया था। चलते हैं मांगतुंगा आचार्य, जो काराग्रह में लिखा गया है, काराग्रह, आज हम उसका आचमन करेंगे, वाचन करेंगे, प्रवचन करेंगे, प्रक्षालन करेंगे, हृदय का प्रक्षालन होगा आज। चलते हैं भक्तांबर विधान, पहले पूजा। तो मुझे भी एक सपना आता है बार बार कि कानपुर में एक महिला ऐसी है जो भक्तांबर को बहुत चाहती और पुस्तक छुपाना है। समाज के मंत्री ने आकर के कहा कि आप भक्तांबर का प्रवचन करते, मैंने कहा हाँ। बोले यहाँ संतोष जैन करके एक महिला है, वो पुस्तक छपाना चाहती। देखिए संयोग, मैंने उनको बुलवाया तो उन्होंने कहा हाँ, बरसों से एक तमन्ना है कि जो मुनि प्रवचन करते हो भक्तांबर की मैं पुस्तक छपाऊँ। उसी समय देवयोग से प्रेस वाला आया, बोले आपकी कोई पुस्तक छपने दीजिए। देखिए योग, महिला ने अपने हस्बैंड को बुलाया कि ये पुस्तक का योग का समय आ गया भक्तांबर का, मैं छपाना चाहती हूँ। उसको घर ले गए, उसके हाथ में रुपए प्रस्तुत किए, उसका टीका किया,
बोले पुस्तक अच्छी से अच्छी छपाना छापना। एक ऐसा विधान जो सुविधाओं में नहीं लिखा गया, विपदाओं में, प्रतिकूलताओं में लिखा गया, जहां कोई साधन नहीं, काल कोठरी है, अंधेरे में मांग तुंगा चार पड़े हैं, 48 ताले लगे, और ताले लगने का भी एक कारण है कवि कालिदास। एक बालक एक श्लोक पढ़ रहा था, वो श्लोक वो सुनकर के कालिदास को लगा कि बहुत अच्छा है। पूछा किसने सिखाया, बोले फलाने। कालिदास ने कहा कि श्लोक तो मेरा, ये किताब मैंने लिखी है। विद्वान को बुलाया, धनंजय कवि वहां पहुंचे, कालिदास ने उसे दबा दिया क्योंकि वह राजकवि थे, राजा भोज के निकट थे, इसी नगरी के पास की कहानी चल रही है। मांग तुम आचार्य साधना में लीन थे, पर्वत पर पूछा धनंजय कवि कि तुम्हारा गुरु कौन है, बोले मांग तुम आचार्य। सम्राट ने कहा कि बुलाओ उसे लेके आओ। मांग तुंगा आचार्य कैसे आते, जिगंबर मुनि बुलाने से नहीं आते। सैनिक गए, बुलाया, आने को तैयार नहीं थे। कहा कि तलवार की नोक पहले जाएंगे। मांग तुंगा आचार्य ने कहा कि जो तलवार की नोक पे जाएगा उसे मैं भी देखूं, और उसे घसीटते हुए ले गए मांग तुंगा आचार्य। उस वेदना से प्रस्फुटित हुआ ये काव्य। कवि कालिदास ने कहा कि जैन मुनि पशुवत होते हैं, ज्ञान नहीं होता, इतनी अच्छी रचना कैसे कर रहे हैं। ताल दिया ताल, न याचना है, न प्रार्थना है, न मनुहार है, न दीनता का भाव है। मांग तुंगा आचार्य अपने में डूब कर उनको पता भी नहीं चला, और एक एक काव्य फूटने लगा अपने आप। एक काव्य पढ़ते हैं और एक ताला टूटता है। मांग सम्राट को जब पता लगा तो सम्राट ने देखा कि मांग तुंगा आचार्य बाहर आ गए हैं, किसने ताले तोड़े, फिर भीतर डाला गया, फिर पड़ा, फिर खुला, फिर डाला। ऐसा ये काव्य आपके सामने पड़े। प्रतिकूलताओं में जन्मी हुई वस्तु जीवन की अनुकूलताओं को प्रस्तुत करती है, और अंधकार में जन्मा हुआ वो बिजली वो बल आपको प्रकाश देता है, और 9 महीने के गर्भ में पलने वाला वो बालक एक इंसान का रूप लेके आता है। जब कर्मच्छे होते हैं तो परमात्मा बनता है, सेवक बनता है, धर्म की प्रभावना भी करता है। इसलिए लोगों से कहता हूं कि अपनी हर बात गुप्त रखो। परमात्मा की आराधना करना जान चाहते हो या दान देना चाहते हो तो गुप्त रखो दिल में। बीज पृथ्वी में पड़ते ही ढांक दिया जाता है, ढकता है तो अंकुर फूटता है, अगर खोल दिया जाए तो चिड़ियों के काम का है। दान अगर प्रकट हो जाए तो कलंकित हो जाता है, मान आ जाए तो धूमिल हो जाता है, अहंकार आ जाए तो नष्ट हो जाता है। ऐसा ये काव्य, जहां वेदना है, जहां भोजन नहीं है, जहां चर्या नहीं है, वहां आत्मिक भोजन के बल से निकला हुआ ये काव्य है आपके सामने प्रस्तुत है। इस काव्य में
सात अक्षर बड़े हैं और सात अक्षर छोटे कितने? सात अक्षर छोटे और सात अक्षर बड़े, क्योंकि इस काल में 14 गुण स्थान के स्थान पर सात होते हैं और सात गुण स्थान नहीं होते हैं, छोटे वाले होते हैं बड़े वाले होते नहीं। और एक पंक्ति में 14 अक्षर है और एक चार लाइनों में 56 है, पूरों को जोड़ा 26,228 अक्षर। गिनती लगाइए, गिनती लगाइए कितने हुए? 6 × 12 = 8, 4 × 4 = 8, 12 × 16 = 24, 24। देखिए गिनती, देखिए गिनती, देखिए 48 क्यों है? 48 काम है, 24 तीर्थंकर हैं, 24 दूसरों के अवतार हैं, इसीलिए अवतारों को भी समझाया गया और तीर्थंकरों की महिमा को भी गाया गया, ऐसे वो अक्षर हैं। 2,200 बताइए, इतना अद्भुत काम। आज हम उसका विधान कर रहे हैं, कई जन्मों का पुण्य आया है और मांग तुंगा आचार्य यहीं से इन्हीं रास्तों से गुजरते हुए इस पहाड़ पर रुकते हुए गंदरपुरी से निकलते हैं और गंदरपुरी का रास्ता ही सामने से ही निकलता है, जंगल का आकाश सर है ना यहाँ पर, सर बताइए ना गंदरपुरी के यहाँ यही मार्ग है जहाँ प्रतिमाएं निकल रही हैं, आज भी बहुत बड़ा पुरातत्व है वहाँ पर खंड, वहाँ पर जहां खोदो वहीं प्रतिमा निकलती। सुखचंद आचार्य भी यहीं से निकले इसी पहाड़ से, मुझे खुद नहीं मालूम कि मैंने 2, 3 और 5 किलोमीटर के बीच से कैसे प्रणाम किया। साधु पूछते हैं कि आपने किसको प्रणाम किया, मैंने मुझे नहीं मालूम, यह पहाड़ मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए प्रणाम किया। आज उस काव्य उस धरा पर आप बैठे और आज वो तीर्थ बन गया है, काल है परिवर्तित होता है, तो आज बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा काव्य आपके सामने है। इसके नायक हैं मांग तुंगा चार और खलनायक है कवि कालिदास। चलो हम पहले ही काव्य से शुरुआत करते हैं, प्रारंभ कीजिए। क्लीम श्रीम क्लीम महाभिजाक्षर संपन्नम ऋषभ देवातृष्ठ स्थापनम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीजा सम्पन्न ऋषभदेव मम हृदय सन्निधिकरणम सन्नितो सन्निधिकरणम पुष्पांजलिं क्षिपामि। जल चढ़ा लीजिए पहले। ओम ह्रीं ऋषभजेन्द्राय जलम नृपांति, ओम ऋषभजिनेन्द्राय चंद्रम नृपांति, ओम ऋषभजिनेन्द्राय क्षतम नृपांति, ओम ऋषभजिनेन्द्राय पुष्प नृपांति, ओम से हट जाता है प्रभु। जब इंद्र आपको प्रणाम करता है तो उसके मुकुट की मणियां अगर चमक उठती हैं तो प्रभु मेरे भी हृदय में एक मणि है और सम्यक दर्शन की मणि है। जब आपको प्रणाम करते हैं तो मुझे सम्यक दर्शन की मणि मेरी चमकने लगती है। सब प्रणाम, सम्यक प्रणाम, आपके प्रणाम में दूषण है, कलंक है, आकांक्षाएं हैं, नजर लगी हुई है, ग्रहण लगा हुआ है आपकी श्रद्धा को। आपकी श्रद्धा स्वार्थ से चलती है, स्वार्थ के सहारे चलती है, मन के सहारे चलती है, इच्छाओं के सहारे चलती है, लेकिन एक ऐसी श्रद्धा जो रिफाइंड है, प्योर है, प्यूरिफाइड है, एक ऐसी श्रद्धा
जो आत्मा से प्रकट हुई है परमात्मा के चरणों में, तो मान तुम आचार रखना है कि प्रभु ये काया तो विनष्ट होनी ही थी, लेकिन आज मुझे आपकी भक्ति का सौभाग्य का क्षण मिला है। ओम ह्रीं विश्व विघ्नहराय क्लीं बीजाक्षर सहिताय ऋषभजेन्द्राय अर्घ्यं नृपामूर्ति। स्तुति करने के लिए मजबूर हूं, मान तुंगा आचार्य कह रहे हैं कि मैं मजबूर, आप चित्त का हरण करते हैं, आपकी आपने मेरे चित्त का अपहरण कर लिया है। इंद्र भी सुरलोक नाथ इंद्र भी आपकी भक्ति करता है प्रभु, और मेरे चित्र का अपहरण हो चुका है और मैं आज आपकी स्थिति करने के लिए तत्पर हूं। देखिए भक्ति कह रहा कि मेरा चित्त चोरी चला गया, आपका सामान जाता है, भक्त का चित्त जाता है, क्या विडंबना है? हैं? आप सामान के पीछे भागते हैं और भक्त भक्ति के पीछे भागता है, आप पदार्थ के पीछे भागते हैं, भक्त परमात्मा के पीछे भागता है। हे तीन लोग के नाथ, हे चित्त का हरण करने वाले चोर, चोर कौन है? भगवान। धन दौलत नहीं चुराई, चित्त चुराया है। धोबी के घर में कपड़े जाएंगे तो धुल के ही आएंगे, और भगवान के पास चित्त जाएगा तो धुल के ही आएगा। और ओम ब्रीम नाना वस्ताया सकल घराया क्लीम विजय चेता सचिंदार घमते। भगवान को समझा रहे हैं, मानतुंग आचार्य कह रहे हैं कि भगवान आप तो चंद्रमा के समान है और मैं एक ढीठ बालक हूं। स्थिति देखिए, मैं बुद्धिहीन हूं और आपकी भक्ति करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास बुद्धि नहीं है। भगवान की भक्ति तो बुद्धि से होती ही नहीं है, बुद्धि तो भ्रमित करती है ना, काढ़ी टेढ़ी चलती है केकड़े की चाल की तरह, देखता इधर चलता उधर। लेकिन मैं बुद्धिहीन भक्ति के बसभूत होकर के उस बालक के समान हरकत कर रहा हूं, जैसे पानी के अंदर चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, बालक पकड़ना चाहता। क्या बात है, एक बार राम रूठ गए, चंद्रमा की परछाई पड़ रही थी, राम रूठ गए कि मुझे ये चंद्रमा चाहिए। कौशल्या बड़ी परेशान कि बालक की जिद कैसे पूरी करूं। राजा दशरथ ने कहा बड़ी पागल हो, आ जाएगा पकड़ में, राम का हाथ वहां डाल दो भीतर एक, और जब हाथ डालेगा तो चंद्रमा दिखेगा नहीं, तो समझेगा मुट्ठी में आ गया। तो मैं भी बालक हूं, मैं चंद्रमा को पकड़ना चाहता हूं, उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। और हम लोगों ने आज तक प्रतिबिंब को ही पकड़ा है, मूल को कभी नहीं पकड़ा। तो मैं आपकी भक्ति को तत्पर हूं। ओम ब्रीम मत्यादि शिव ज्ञान प्रकाशनाया क्लीम जाचर सहित सचिंद्र घनुपाम ते। एक एक उदाहरण कितने सुंदर दे रहे हैं काव्यों के अंदर। कह रहे हैं कि समुद्र विशाल है, मगरमच्छ है, और मुझे पाल करना, तूफान उठा हुआ है, और मैं नौका से नहीं जाऊंगा, मैं दोनों हाथ से तैर के जाऊंगा। भुजाभ्याम, अर्थात पानी में उतरने वाले कपड़े की चिंता नहीं करते हैं, अपनी भुजाओं से तैर के जाऊंगा, मृत्यु आएगी तो आएगी, लेकिन मैं भुजा से तैर के, क्योंकि हे गुण के सागर, मुझे आपके गुणों की स्थिति करनी है और अपने ही कंठ से करनी है, इधर उधर की पुस्तक पढ़ के नहीं करनी है। कि आप पढ़ते हैं ना पुस्तकों में, नाम आता ना आखिरी में, नाम आते हैं किसी लेखक के? नाथुराम पूजा करे, मंगलराम, नाथुराम का मन कौन से नरक में सड़ रहा, ये भी नाथुराम बन गए। हम सब आपकी पूजा कर रहे, कह रहे कि मैं अपनी बाहों से तैर के जाऊंगा। था हे राजा भोज कवि कालिदास खलनायक,
हे राजा भोज कवि कालिदास, तुम्हारे तीर ये तलवार क्या करेंगे, मृत्यु आएगी तो आएगी, लेकिन मैं अपनी आत्मबल की भुजाओं से ये भवसागर पार करूंगा, तुम मुझे डुबा नहीं पाओगे। माम तुम अच्छा चुनौती दे रहे, कहाँ बैठ के? ताले में बैठ के। कल बताया था ना हथौड़ा और ताला, ये चाबी लेके चले और आप हथौड़ा लेके चले। ओम ह्रीम नाना दुख समतारणाया ह्रीम विजाक्षा सहितायार सब जिंदा रूपां ते। पुत्र ब्रह्माओं के पुत्र के प्रेम में व्यथित होकर के शेर का सामना कर लेती है, मैं तो फिर एक आचार हूं, एक साधु हूं, एक तपस्वी हूं, आपके प्रेम के बसीभूत होकर के मैं आपकी स्तुति करने के लिए आया हूं। हिरनी अगर बच्चे को बचा सकती है तो मांग तुम्हारा चार अपनी आत्मा को और अपनी संस्कृति को भी बचा सकते। भाव देखिए कितने अद्भुत भाव, ये भाव तो आपके अंदर भी पैदा होना चाहिए ना। ओम ह्रीम सकल का से दिख रहा है ह्रीम जाता सहित सबिंदर न पाते। अल्फा गिन सुद्भुत खो चुका हूं, अगर कोयल आम्र मंजरी को देख करके कूक सकती है तो आपका बंदा या आपका भक्त, ये चकोर आपको देख करके भक्ति कर सकता है, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। लोग मेरी मजाक बनाएंगे, मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपकी भक्ति अवश्य करूंगा। आप जानते हैं कि बालक में कोई शर्म नहीं होती, और जब शर्म होती तो फिर बेशरम होती है। सच है, बालक में शर्म नहीं होती, शर्म तो होती तो फिर बेशरम हो जाता है, वहां पर फिर आप लड़ने झगड़ने लगते हैं। तो मांग तुंगा चर परमात्मा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, ओम ह्रीम अयाचिता प्रतिपादन शक्ति सहित आया माँ बीजाक्षर सहित आया सब इंद्राया अर्घम पावती। तुम आचार्य से परमात्मा ने पूछा, बड़ी विडंबना है जब लेखक लिखता है तो कैसे संवाद प्रस्तुत करता है। परमात्मा ने पूछा कि तुम मेरी भक्ति क्यों करना चाहते हो? दीपक मुझे सुनो, बहुत अच्छी बातें करो। मांगतुंगा आचार्य से परमात्मा ने पूछा कि तुम मेरी भक्ति क्यों करना चाहते हैं? बोले प्रभु आप अद्भुत हैं, निराले हैं, जैसे सूर्य की उदित होने पर अंधकार भाग जाता है उसी प्रकार आपकी भक्ति करने पर सदियों पुराने अनंत अनंत काल के चिर संचित पाप कर्म भी भाग जाते हैं। हेतु भी दे रहे हैं, कार्य कारण की व्यवस्था देखिए। ओम ह्रीम सकल पाप निवारणाया ह्रीम जाक्षा सहिताया ऋषभ जींद्राया अर्घम नृपावती। कितनी बड़ी बात कहती मांग तुम आचार्य ने, देखिए आप इस छुपे हुए रहस्य हैं। भक्तांबर के कह रहे हैं कि प्रभु जैसे कमल पत्र पर पड़ी हुई पानी की बूंद सूर्य की रोशनी में मोती की तरह चमकती है। फिर से एक बार, सरोवर में पान पत्ते के ऊपर पड़ी हुई पानी की बूंद मोती की तरह चमकती है। भगवान उसी प्रकार आपकी स्तुति आपके शब्द ये रचना जो भव्य जीव है सज्जन है, बहुत अच्छा शब्द है, चेतो हर सती सताम नलनी चले तू, जो सज्जन है सताम मने सज्जन पुरुष है उनके हृदय को चमका देती है, उनका हृदय चमक, दुर्जन का नहीं। दुर्जन का क्यों नहीं चमकता? काली मिट्टी से गुलाब पैदा होता है, गोबर से नहीं होता है।
और गोबर पे गुलाब को रख दो तो गोबर सुगंधित होते ही नहीं, और काई मिट्टी पे रखो तो मिट्टी भी सुगंधित हो जाती। सताम नलिनी जलेशु तब प्रभावा, आपके प्रभाव से चमकने लगते हैं, इसलिए मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं। ओम ब्रीम ने संकट निवारण दुख निवारण किंजाक्षर सहित आया आदि नजेन्द्रायामते। तम संग कथा भी मंतु आचार्य के रहेंगे, तम संग कथा भी पुराण पुरुषों की सत्कथा करने से दुरितानि हन्ति। देखिए शब्द तम संग कथा थी, हे भगवान आपकी कथा सुनने और कहने मात्र से दुरितानि हन्ति, जगत के प्राणियों के पाप और अंधकार अपने आप समाप्त हो। कौन किसके? आपकी सत कथा सुनने से और कहने से सदियों पुराने पाप अपने आप गल जाते हैं, और सूर्य की रोशनी पाके जैसे कमल खिल जाते हैं उसी प्रकार कथा की रोशनी पाके हृदय के कमल खिल जाते हैं। अद्भुत काव्य है। ओम ब्रीम शकल लोक मनोवांचित फलदात्री क्रिमजाक्षर सहिताया सभेन्द्राय कमलपामती। भगवान बहुत क्लियर है, बात एकदम स्पष्ट है, एकदम साफ है। जो सम्राट की सेवा करता है सम्राट उसे अपने जैसा बना लेता है, जो धनपति की सेवा करता है धनपति अपने जैसा बना लेता है। तो प्रभु आप तो लोक के सम्राट हैं, आप भी मुझे अपने जैसा बना लेंगे। जैन दर्शन ही ऐसा दर्शन है जो भक्त को भगवान बना लेता है, बाकी सब जगह तो भगवान में विलीन होते हैं, और जैन दर्शन का भक्त खुद भगवान बनता है। अद्भुत बात। ये संबोधन कवि कालिदास राजा भोज के लिए हो रहे हैं। ओम ब्रीम अरजन स्मरण जिन सम्भूताया क्लीम जाक्षर सहिताया ऋषभ जेन्द्राया अर्घम निरपामते। अद्भुत संवाद है। भगवान कह रहे कि तुम मुझे परेशान मत करो। बोले गुरु भगवान आप कैसी बात करते हो, आपके संवाद में तो मेरा हित है। बोले तुम बार बार मेरे ही गुण क्यों गा रहे हो। बोले भगवान जिसने क्षीर सागर का जल पी लिया हो वो लवण सागर का जल कौन पिएगा, और जिसे आपका स्वाद मिल गया हो शुद्ध घी का भोजन मिल गया वो तेल का बना कौन का। उत्तर भी है। ओम ब्रीम सकल तो पुष्टि कराया क्लीन विजाता से तर चंद्रा कर पामती। ये निंदा स्तुति देखिए यहाँ पे 12वां नंबर का काव्य, और मांग तुग आचार करेंगे भगवान आप सर्वांग से सुंदर हैं, हम कुरूप हैं इसलिए आप हमें ले जा रहे हैं। कह रहे हैं कि जितने भी पूरे विश्व में सुंदर परमाणु थे उनसे आपके शरीर की रचना हुई, और परमाणु बचे नहीं तो हम कुरूप पैदा हो। स्थिति देखिए कितनी प्यारी है, क्योंकि सारे संसार के प्राणियों के प्रति आपके हृदय में सद्भाव था, सुभाव था, सम्यक भाव था। सारे परमाणु आप ले गए, भगवान ये परमाणु मेरे भी पवित्र कर दो आप। ओम ब्रीम वांछित पर सकते पहुंचते विशेषण लगाते हुए कहते हैं चंद्रमा के समान है भगवान। बोले मेरी पीड़ा है, भगवान चंद्रमा के समान हो नहीं सकते क्योंकि चंद्रमा कलंकित है, उसमें ब्रह्म का चिन्ह बना हुआ है, इसलिए आप चंद्रमा के उपमा से भी सुशोभित नहीं हो सकते क्योंकि आप तो मेरे हृदय में विराजमान हैं।
ओम ह्रीं लक्ष्मी विधाता किं जक्षसेतसंगतं पांते देखिए कवि कालिदास राजा भोज को चुनौती दे रहे हैं। इस काव्य का रहस्य देखिए जरा, काव्य का रहस्य। मांगतुंगाचार्य जेल में रहकर कि अपने ज्ञान से कैसे चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हे भगवान संस्थास्त जगदीश सरनाथ में कहूँ, जैसे संपूर्ण आकाश में तारों को विचरण करने से कोई नहीं रोक सकता, हे कवि कालिदास राजा भोज दिगंबर मुनि को विश्व में विचरण करने से कोई नहीं रोक सकता। आज तक विद्वान और साधु गण इसका अर्थ नहीं निकाल पाए। लिखा है संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप सभ्रा गुणा त्रिभुवन तव लंगयंती ये संसितात जगतेश्वर नाथ में कम कस्तांड संचरतो तिष्ठम। कौन रोक सकता है मुझे जगत में विचरण करने से? काया को रोका होगा आपने, मेरे मन को नहीं रोका अभी तक। दिगंबर मुद्रा तो सर्वव्यापी है। ओम ह्रीं भूत प्रेतादि भय निवारणाय क्लीं विजाता सहिता सर्वेन्द्र नृपामति। चर्चा कैसे कर रहे हैं आप? रहस्य खोलिया, कितनी बड़ी चोट दी गई है। कवि कालिदास से कहा गया है कि हे भगवान विश्व की अप्सराएं, क्योंकि स्वर्ग से इंद्र ने अप्सरा को पहुंचाया था विश्वामित्र के चरित का हनन करने के लिए, सब जानते हैं। बोले विश्व की अप्सराएं भी आपके चित्त को मोहित नहीं कर सकती है। भले और पर्वत पवन के झोंके से हिल जाए, लेकिन सुमेरु पर्वत को कोई हिला तो भले दिगंबर मुनि का चारित्र उनका ब्रह्मचर्य ऐसा, आपकी ये ताले और आपकी ये जेल कारागृह मेरा कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। ओम भ्रीम मेरुवत मनो बल करना है क्लीम जक्षा से तैर सब जिंद्रा के मेरे पाँव मती। विनोद जी एक एक काप कैसे चुनौती दे रहा है। मांगतुंगाचार्य जेल में बैठ करके कवि कालिदास से कह रहे हैं, हे कालिदास अन्न दाना बंद किया है तुमने मेरा, लेकिन मेरी ज्योति जल रही है, जिंदा हूं, क्योंकि ये ऐसा दीपक है जिससे धुआं भी नहीं निकलता और इसे तेल की भी जरूरत और घी की भी जरूरत, से मार नहीं सकोगे क्योंकि मेरे अंदर एक आशियाना बना लिया मैंने जहां मृत्यु पहुंच नहीं सकती, और एक उपवन खिला लिया मैंने जहां पतझड़ से झरा नहीं सकता। ओम ह्रीं त्रिलोक शंकराय महाभिचक्षसहिताय ऋषभेन्द्राय नमः पावते। देखिए इस किताब में आप खोजिए फिर चुनौती। बोले प्रभु सूरज का तो उदय होता है और अस्त होता है, और सूरज को राहु और केतु भी ग्रस लेते हैं, ग्रहण भी लग जाता है,
क्योंकि तुम लोगों का ज्ञान तो मति और शुद्ध ज्ञान है, जिसका क्षोभसम घटता और बढ़ता है, और परमात्मा का केवल ज्ञान तो छायक है, उसे कोई ग्रहण, तो मैं उसी की साधना में रहता हूँ। ओम ह्रीम पाप अंधकार निवारण है कि सहितर सब जिंदर ग्रम पाते के कवि कालिदास सूर्य का अर्थ तक वो बैठे थे उदयस्त होने वाले राजा भोज कालिदास को बोले यहाँ तो पूर्णिमा का चांद है, पूरे लोक को प्रकाशित करता है, इसलिए आप निश्चिंत रहें, आप मेरे ज्ञान को भी नहीं बांध सकते और मेरी चेतना को भी नहीं बांध सकते। ओम ब्रीम चंद्र लोक द्योतन कराया क्लीम जक्षा क्षेत्र चंद्रग्रम पावते नंबर का पढ़ा ठीक। सूरज को दर्श जन्म देने वाली एक सिर्फ पूरब दिशा है और तारों को जन्म देने वाली दसों दिशाएं हैं। इतना ही अर्थ आज तक हमारे आचार्यों ने मुनियों ने विद्वानों ने खेल खोला है, ये अर्थ नहीं है इसका। राजा भोज कवि कालिदास को संबोधित करते हुए मांतकाचार्य कह रहे हैं कि पूरब दिशा से सूरज उगता है, इसका अर्थ समझ लो। अगर तुम विद्वान हो सम्राट हो तो समझो इसका अर्थ, जब भी निर्वाण की प्राप्ति होगी तो केवल दिगंबर मुद्रा से होगी, अन्य मुद्रा से निर्वाण की प्राप्ति, इतना सा अर्थ नहीं निकाल पाए। सूरज से प्रकाश होता है, पूरब दिशा से होती है। सूरज माने केवल ज्ञान, और दिशाओं से तारे उत्पन्न होते हैं और अन्य वस्त्रधारियों से पुण्य का तो बल हो सकता है, लेकिन निर्वाण की प्राप्ति जिस प्रकार जब भी भोजन करो तो मुख से ही करोगे तो स्वाद आएगा, लेकिन अन्यथा स्वाद नहीं आएगा। ओम ब्रीम अद्भुत पामते हो गया। चलिए पंडित जी कोई बाकी नहीं। सूर्य के अंदर अंधकार नहीं हो सकता है और गुलाब के अंदर दुर्गंध नहीं हो सकती है। देखिए आप तत्व देखिए, और तारों में कभी रोशनी नहीं हो सकती है,
इसी प्रकार केवल ज्ञान की प्राप्ति में कभी भी राग और द्वेष नहीं हो सकते। जब भी केवल ज्ञान होगा राग द्वेष आत्मिक होगा। ओम ग्रीम सरस्वती नाम दीश्वराय क्लीम जाचा क्षेत्र जिंदा चंद्र पामती किसका हरण कर रहे हैं भगवान? पीड़ा का। और हम लोग किसका हरण करते हैं? लोगों के सुखों का। कंट्रास्ट है हा? हम लोगों के सुख का शांति का हरण करते हैं और भगवान हमारी पीड़ाओं का, क्योंकि उनमें क्रोध नहीं है। आप भूमंडल पर आभूषण के समान है क्योंकि आप में मान नहीं है। जिसमें मान नहीं होता लोग उसकी ही प्रशंसा करके दिल में बिठाते हैं। और आप मोक्ष धाम पहुंचाने वाले हैं, सुखाने वाले हैं, इसलिए आपके अंदर माया भी नहीं है और आप कल्याण करता है तो आपके अंदर लोभ भी नहीं है। अपने लोभ को ही मार दिया। ओम ह्रीम नाना दुखलीना की पावते पंडित जी सबको होना करते हैं। और हमारे इस धरा पर रहने वाले भगवान के फूल का निषेध करते हैं। फूल का जो फूल का निषेध करते हैं वे खुद ही फूल होते हैं। फूल माने जानते हैं आप? फूल माने भगवान के चरणों में फूल अर्पण करने का अर्थ इतना प्रफुल्लित होकर के आए, फूल की तरह पूरा खिल करके आए। फूल जब खिलता है तो कुछ भी नहीं बचाता और गंध को लुटाता है। तो आप जब परमात्मा के चरणों में आए तो फूल की तरह हृदय कमल, मन कमल, नयन कमल, वाणी कमल, अधर कमल और कर कमल और चरण कमल खिले होना चाहिए। अज्ञानता है तो क्या हो समझ को जाती पुष्पि प्रति समक दिव्य धनी प्रयाति रुकता कि बिजाक क्षेत्र बिंद्र गपालते नहीं बन सकती।
और कितने भी कभी कालिदास से कतरो जाए तो परमात्मा का प्रकाश नहीं दे सकते। ओम ह्रीम धर्मोपदेश समय समोषणनादि लक्ष्मी विद विराजमानाया क्लीम जाक्ष सरस्वतीन्द्र कृपां ते। नखुन से लेके चोटी तक कर्म से जकड़े हैं। ए कवि कालिदास, मेरी तो बेड़ियां यहां तक की है, तेरे कर्म तो नखुन से लेके चोटी तक के, तू कैसे काटेगा? संकेतात्मक है, का रहस्यपूर्ण है, लेकिन खैर छोड़। ओम ब्रीम नानक कटे बंद दूर करना है क्लीम जाक्षा सहित सब जिंदा कर पाते। पुरुष भक्ति पूर्वक जब पढ़ता मदोन्मत हाथी मृगराज दावानर सर्प युद्ध समुद्र जलोदर बीमारी कारागृह ये आठ कारणों को परमात्मा की भक्ति से समाप्त कर लेता, कर्म आठ है। आगे समझ में, ये सब प्रतीक दिए उन्होंने। ओम ब्रीम बहुविध विघ्न विनाशाय विजयाक्षरशहिताया सर्वजीवेन्द्राय कृपां ते। स्वर्गिक और नैसर्गिक आत्मिक सुख और भौतिक सुख, ये लक्ष्मी, एक घर की लक्ष्मी, एक निर्वाण की लक्ष्मी, जो इन काव्यों के पुष्पों की, देखो मेरा नाम भी पुष्प आखिरी में आ गया ना, बचे नहीं सकते आप पुष्प सके, बचे नहीं सकते। हाँ, इन पुष्पों की माला कंठ में धारण कर लेता था, श्रद्धा से धारण कर लेता है तो वो भी निर्वाण को प्राप्त करता है। ओम भ्रीम सकल कर सदस्वर्ताया क्लीम जाते। बैठिए मंगल महाग्रह लोकृष्ण सबसे Thank you.